खबर मुजफ्फरनगर के मीरापुर इलाके से है, जहां झारखंड के दुमका में 12वीं की छात्रा को एक मंचले द्वारा जिंदा जला दिया गया था। इस घटना से आक्रोशित हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष अंकुर पहलवान के नेतृत्व में थाना मीरापुर पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन SI अमरपाल शर्मा को सौंपा है। इस दौरान उन्होंने हत्यारे शाहरुख को फांसी दिए जाने की मांग की। दरअसल बुधवार को हिंदू जागरण मंच लक्ष्मी नगर के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह उर्फ साधु गुज्जर के निर्देश पर मीरापुर के नगर अध्यक्ष अंकुर पहलवान के नेतृत्व में कार्यकर्ता थाने पहुंचे। वहां उन्होंने भारत माता की जय और अंकिता के हत्यारे को फांसी दो के नारों के बीच SI अमरपाल शर्मा को प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंप कर नगर अध्यक्ष अंकुर पहलवान ने बताया कि कुछ दिन पूर्व झारखंड राज्य के दुमका क्षेत्र में 12वीं की छात्रा अंकिता को एक मनचले शाहरुख द्वारा जिंदा जला दिया गया था। इस घटना से संपूर्ण हिंदू समाज बेहद आक्रोशित है। हिंदू जागरण मंच इस घटना के आरोपी शाहरुख को फांसी दिए जाने की मांग कर रहा है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और अपराधियों को कड़ी सजा मिले। एक मामला आया है झारखंड का, दुमका गांव का। उसमें एक लड़की थी 17 साल की नाबालिग, 12वीं की क्लास में पढ़ती थी, अंकिता सिंह, और मनचले लड़का है शाहरुख। उसने उस लड़की को जलाकर हत्या कर दी है। हमने इंस्पेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और प्रधानमंत्री मोदी के नाम हमने कहा है कि इसको सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और फांसी की मांग की है।